हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एरोमेटिसिटी देखने वाले हैं। फ्रेंड्स, एरोमेटिसिटी होती क्या है, इसके लिए आपको हक्कल रूल आना चाहिए। हमने हक्कल रूल को पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिया है और यहाँ पे भी मैं आपको बता दूंगा। देखो फ्रेंड्स, एरोमेटिसिटी में हम तीन टर्म है उनको यूज में लेते हैं। तीन टर्म कौन कौन सी है, सबसे पहले आती है एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं, उसके बाद में आती है एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। थर्ड टर्म क्या है, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स। ये तीन टर्म है जो यूज में होती है। देखो, एरोमेटिक कंपाउंड्स कौन से होंगे, एंटी एरोमेटिक कौन से होंगे, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड कौन से होंगे, इनके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं जो कंपाउंड फॉलो करता है उसके अकॉर्डिंग वो हो जाते हैं। देखो, सबसे पहली कंडीशन आती है इसके अंदर कि कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, साइक्लिक। उसके बाद में सेकेंड कंडीशन आती है कि वो प्लेनर होना चाहिए या sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि देखो, कॉन्जुगेशन में होना चाहिए। और सिंपल वर्ड्स में समझे तो क्या बोलेंगे कि सर, डबल सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, अर्थात पाई सिग्मा पाई या फिर सिग्मा पाई सिग्मा बॉन्ड होना चाहिए, ये सीक्वेंस होनी चाहिए। इससे इसके अलग कंडीशंस भी होती हैं, जैसे माइनस आ जाए या लोन पेयर आ जाए तब क्या होगा, सारी कंडीशन हम देखने वाले हैं। सो आप इतना समझो, वो क्या होना चाहिए सेकेंड कंडीशन के लिए, प्लेनर होना चाहिए। प्लेनर मीन्स sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, सारे एटम है उसके अंदर वो सारे sp2 हाइब्रिडाइज होने चाहिए। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन उसके बाद में क्या आ जाती है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन या फिर 4n पाई इलेक्ट्रॉन। देखो, इसमें डिफरेंस आते ही एक कंडीशन चेंज हो जाएगी ना, तो वो कंपाउंड भी चेंज हो जाएगा, एरोमेटिक से एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। अगर वो कंपाउंड 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स वाली कंडीशन फॉलो करता है तब तो वो क्या है, एरोमेटिक। अगर 4 पाई इलेक्ट्रॉन वाली कंडीशन फॉलो करे, 4n पाई इलेक्ट्रॉन, ये क्या है, 4n पाई इलेक्ट्रॉन, अगर ये कंडीशन फॉलो करे तब वो क्या हो गया, एंटी एरोमेटिक। बाकी ऊपर वाली तीनों कंडीशन है, साइक्लिक, प्लेनर या फिर sp2, तब वो क्या होगा, वो तीनों कंडीशन तो एरोमेटिक में भी आती है और एंटी एरोमेटिक में भी आती है। लेकिन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक को अलग कौन सी कंडीशन करती है, 4n+2 या फिर 4n पाई इलेक्ट्रॉन, इनमें से कौन सी कंडीशन है। अगर ये वाली कंडीशन है तब एरोमेटिक, और 4 पाई इलेक्ट्रॉन वाली है, 4n पाई इलेक्ट्रॉन वाली कंडीशन है तब एंटी एरोमेटिक है। बाकी ये तीनों कंडीशन तो दोनों में ही होती है, ठीक है। अगर इनके अलावा देखिए नॉन एरोमेटिक क्या होगा, तब देखो क्या होगा, अगर इन तीनों कंडीशन में से पहले वाली में से कोई भी एक कंडीशन फॉलो नहीं करे कंपाउंड, तब वो क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। कैसे, सपोज कि वो साइक्लिक नहीं है तब भी क्या हो सकता है, नॉन एरोमेटिक हो सकता है। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, वो प्लेनर नहीं हो, प्लेनर नहीं हो मतलब sp3 हाइब्रिडाइज हो, उसमें अगर एक भी एटम हाइब्रिडाइज होगा तो क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक। उसके बाद में ये 4n+2 ये वाली तो हो ही नहीं सकती, ठीक है। तो ये कंडीशन तीनों में से एक भी फर्स्ट वाले में से फॉलो नहीं करेगा, वो कंपाउंड नॉन एरोमेटिक में आ जाएगा। आप इनका स्क्रीनशॉट लो, फिर वन बाय वन एग्जांपल से समझते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, अब देखो आगे एग्जांपल से देखते हैं। एक बात और बताऊं मैं आपको, जैसे 4n+2 है, इसमें n की वैल्यू 1, 2, 3, 4 ऐसे आएगी, सब में न्यूट्रल नंबर्स आएंगे। उसके बाद में देखो, लेकिन इसके अंदर देखो आप ऐसे आएगा 2, 6, 10, 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स के नंबर ऐसे होंगे 2, 6, 10, 14। अब देखो, लेकिन 4 पाई इलेक्ट्रॉन वाला है, इसमें क्या होगा, 4, 8, 12, 16 ऐसे, मतलब 4 का मल्टीपल होगा। ओड तो दोनों ही है, क्या है, सॉरी इवन तो दोनों में ही है, 2, 4, 6 और 4, 8, 12 सारे के सारे क्या, इवन है। लेकिन एंटी एरोमेटिक में क्या होगा, 4 के मल्टीपल होंगे, ठीक है, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, बस ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब देखो आगे चले, एग्जांपल से समझें। सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं सबसे छोटी रिंग से। छोटी रिंग कौन सी होती है, साइक्लोप्रोपीन होती है, साइज है ना, साइक्लोप्रोपीन से लेके देखते हैं एग्जांपल। देखो सबसे पहले कंडीशन देखते हैं, क्या साइक्लिक है, जी सर बिल्कुल साइक्लिक है, फर्स्ट कंडीशन को फॉलो कर रहा है। उसके बाद में सेकेंड कंडीशन क्या, प्लेनर है क्या, प्लेन में है क्या, या फिर sp2 हाइब्रिडाइज है क्या, सारे के सारे आइटम यहाँ पे देखते हैं, बिल्कुल सर sp2 यहाँ पे क्या है, लेकिन sp3। अगर पहली तीनों कंडीशन में से एक भी फॉलो नहीं करे तब क्या होता है, नॉन प्लेनर।
नॉन प्लेनर हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, वो नॉन एरोमेटिक हो गया। आई बात समझ में? ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। क्या हो गया ये? नॉन एरोमेटिक, एनए मतलब नॉन एरोमेटिक, क्योंकि नॉन प्लेनर है। उसके बाद में सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, ब्यूटा डाई। इसमें फर्स्ट कंडीशन तो वही देखते हैं कि साइक्लिक है कि नहीं है, तो बोलोगे सर बिल्कुल साइक्लिक है, फर्स्ट कंडीशन फॉलो कर रहा है। उसके बाद में सेकंड कंडीशन देखोगे, प्लेनर या sp2 हाइब्रिडाइज है, सेम प्लेन में है, तो आप चेक करोगे हाँ बिल्कुल सर sp2 हाइब्रिडाइज है सारे के सारे एटम्स, कार्बन एटम्स। उसके बाद में सेकंड कंडीशन भी फॉलो होगी। अब थर्ड कंडीशन क्या है, लास्ट 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन है या फिर 4π इलेक्ट्रॉन है, ऐसे चेक करोगे। तो चेक कैसे होगा, एक पाई बॉन्ड का मतलब होता है दो इलेक्ट्रॉन, दो पाई का मतलब क्या हो गया फिर चार इलेक्ट्रॉन, इसमें कितने हैं दो पाई बॉन्ड, दो पाई बॉन्ड मतलब चार इलेक्ट्रॉन है। अब n की वैल्यू निकाल के देखेंगे, n की वैल्यू दोनों में 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे आएगी, न्यूट्रल नंबर आएगी, नेचुरल नंबर, लेकिन देखो नेचुरल नंबर आएगी। तो अब इसमें n देखते हैं, n की वैल्यू क्या आएगी, उसके अकॉर्डिंग पता चल जाएगा हमें। देखो 4n+2, लेकिन डायरेक्टली आपको पता चल रहा है ना, इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स मतलब 4 इलेक्ट्रॉन हो गए वैसे। अब 2 पाई आ गए, 2 पाई मतलब 4 इलेक्ट्रॉन आ गए, और 4 इलेक्ट्रॉन कौन से में आता है, जो 4 का मल्टीपल है उसमें, मैंने आपको बताया था ना 4 का मल्टीपल कौन से में आता है, 4n पाई इलेक्ट्रॉन में, मतलब ये क्या हो गया एंटी एरोमेटिक हो गया। आपको डायरेक्ट पता चल गया ना ट्रिक से, एंटी एरोमेटिक कैसे हुआ, देखो इसके मल्टीपल में आ रहा है 4h 12 16 ऐसे, अभी बताया था आपको, हो गया उसके अकॉर्डिंग। अब ठीक है, n की वैल्यू तो आप निकाल सकते हो, क्या करोगे पाई की जगह पे इलेक्ट्रॉन रख दोगे, कितने इलेक्ट्रॉन रखोगे 4 इलेक्ट्रॉन रखोगे, 2 पाई है तो निकाल के बताऊंगा। तो देखो ऐसे निकालते हैं, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन है इक्वल में, तो आप किसी से भी निकाल सकते हो n की वैल्यू। अब देखो ये तो है पाई इलेक्ट्रॉन, पाई मीन्स 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 पाई है तो 2 इलेक्ट्रॉन, 2 पाई मतलब 4 इलेक्ट्रॉन, तो ये हो गए 4 इलेक्ट्रॉन। अब ये 2 भी तो है प्लस में ये वाला, 4n इक्वल में क्या हो गया, ये 4 में से उतर गया तो 2 क्या हो गया, 2 माइनस हो गया, 4 माइनस 2 मतलब 2 बच गए, और ये 4 क्या है मल्टीप्लाई में इधर क्या जाएगा डिवाइड में, कैंसिल आउट होके क्या हो गया 1/2। मींस ये क्या है 4n+2 रूल को फॉलो नहीं करा, इसका मतलब किसको फॉलो करा है 4n पाई इलेक्ट्रॉन, उसमें क्या आता है चेक कर लो 4n पाई इलेक्ट्रॉन में, देखो 4 का तो 4, पाई की जगह 4 इलेक्ट्रॉन, 2 पाई है ना, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 4/4 मतलब 1 आगे, मीन्स 21 रूल को फॉलो करा है एंटी एरोमेटिक को, 4n पाई इलेक्ट्रॉन को। साइक्लोब्यूटाडीन क्या हो गया एंटी एरोमेटिक। अब उसके बाद में देखो एक एग्जांपल और देखते हैं, बेंजीन का एग्जांपल देख लेते हैं। बेंजीन में क्या है, सबसे पहले चेक करेंगे क्या साइक्लिक है, बिल्कुल है, फर्स्ट रूल फॉलो कर रहा है। उसके बाद में प्लेनर है, सभी sp2 एटम हाइब्रिडाइज है, कर रहा है फॉलो। उसके बाद में तीसरी क्या है, 4n+2 को फॉलो कर रहा है या 4n पाई इलेक्ट्रॉन हो गया, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है 1, 2, 3, 3 पाई बॉन्ड मतलब 6 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। 6 इलेक्ट्रॉन किस में आते हैं, मैंने आपको बताया था 4 से डिवाइड नहीं हो रहा, मींस कौन से में आ गया एरोमेटिक में आ गया, तो ये क्या हो गया एरोमेटिक कंपाउंड हो गया बेंजीन। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर आगे चले। देखो एक एग्जाम्पल आता है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो एग्जाम में आपको पूछता है ज्यादातर आप गलत करके आते हो, आप कंडीशन अप्लाई करके देखते हो, आपको लगता है कि सर ये एंटी एरोमेटिक है, लेकिन वो होता क्या है नॉन एरोमेटिक होता है। जैसे कि एक एग्जांपल लें, साइक्लो ओक्टा टेट्रा इन, साइक्लो ओक्टा टेट्रा इन, देखो ये एग्जांपल देखते हैं, पिछला क्या था ब्यूटाडाइन था क्या, डबल सिंगल, ठीक है। अब इसमें देखो सबसे पहले कंडीशन ट्राई करते हैं, देखते हैं साइक्लिक है बिल्कुल। उसके बाद में सेकंड कंडीशन क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज है सारे के सारे एटम, बिल्कुल है सर प्लेनर में है, कर रहे हैं फॉलो। उसके बाद में तीसरी कंडीशन चेक करते हैं, 4n+2 है या फिर 4n पाई इलेक्ट्रॉन है, तो देखो 1, 2, 3, 4 कितने इलेक्ट्रॉन है 8 इलेक्ट्रॉन, कितने 8 इलेक्ट्रॉन मतलब 1 पाई मतलब
दो इलेक्ट्रॉन, एट इलेक्ट्रॉन है। एट इलेक्ट्रॉन मतलब किसमें आता है, फोर की टेबल में आता है। तो फोर की टेबल में आता है तो क्या हो गया, ये एंटी एरोमेटिक रूल के अकॉर्डिंग। लेकिन ऐसा नहीं है, क्यों नहीं है, देखो इसमें क्या आता है, ये स्ट्रक्चर बड़ी हो जाती है ना रिंग, उसकी वजह से ये अपनी शेप को चेंज कर लेता है। और कौन सी शेप में आ जाता है कोई बता सकता है कमेंट करके, वीडियो आगे चलने से पहले पॉज करके बता सकता है, ये अपने को तब शेप में एग्जिस्ट कर लेता है, ठीक है। और क्या हो जाता है, नॉन प्लेनर हो जाता है। क्या हो जाता है, एनपी मतलब नॉन प्लेनर, और नॉन प्लेनर हो जाएगा इसका मतलब क्या हो गया, ये नॉन एरोमेटिक एनए। आई बात समझ में, अब आपको एक चीज समझनी है, यहाँ पे कंसेप्ट समझना है, ऐसे कंपाउंड्स जो एट इलेक्ट्रॉन या फिर इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन की रिंग, बड़े कंपाउंड्स की रिंग होगी और जो इसमें क्या होगा, एट इलेक्ट्रॉन होंगे, तो वो सारे के सारे क्या होंगे, नॉन प्लेनर होंगे। नॉन प्लेनर होंगे तो नॉन एरोमेटिक हो जाएंगे। ये बात आपके समझ में आ रही क्या, क्यों आई, क्योंकि उनमें क्या आ जाता है, रिंग है वो स्टेबिलिटी प्रदान कर, रिंग अपनी स्टेबिलिटी लेने के लिए क्या होता है, शेप में चेंज कर लेती है और तब शेप में आ जाती है, और प्लेन क्या हो जाता है, नॉन प्लेनर हो जाता है। सो इस कारण ये क्या हो जाता है, एंटी एरोमेटिक से नॉन एरोमेटिक। ये कुछ कंपाउंड थे, उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं आयन, जो रिंग होती है उन पे आयन आ जाता है या फिर लोन पेयर आ जाता है, उसकी वजह से क्या होता है कि वो एरोमेटिक होगी, एंटी एरोमेटिक होगी या नॉन एरोमेटिक होगी, वो सब देखने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखो फ्रेंड्स, ज्यादा मेनली तो जो आपका रूल है वो क्या होता है, फ्यूज रिंग होती है उनके लिए अप्लाई नहीं होता, नॉर्मल सिंगल रिंग होती है उसी के लिए अप्लाई होता है, लेकिन ये फ्यूज रिंग्स में भी काम में आता है कदू, वो देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में कैसे क्या आता है। सो तब तक आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं जल्दी एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।